देखो अब गिड़गिड़ा के कोई फायदा नहीं है. मैंने तुम्हें वार्न किया था वापस लौट के मत आना, लेकिन तुम आई और वो भी शादी पे. और तो और तुमने गठबंधन किया. जो मुझे करना चाहिए था वो तुमने किया. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हक छीनने की? मैंने तुम्हारा कोई हक नहीं छीना नंदिनी. मैं तो इस शहर को छोड़ के जा रही थी, लेकिन प्रिया ने मुझे धोखे से वहां बुलाया. अब जो गलती तुमने की है ना, अब एक माँ की गलती की सजा उसका बेटा भुगतेगा. नहीं, तुम ऐसा नहीं करती. तुम क्या हो रहा है? तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है, वरना मैं क्या करूंगी ये तुम जानती हो. उठो स्वाति, उठो. ये क्या कर रही हो तुम? किस लिए कर रही हो ये नाटक? अभी तो तुम मुझे धमकी दे रही थी, अब गिड़गिड़ा रही हो. चाह क्या रही हो तुम? यही सब करके तो मैं राम को मना पाऊंगी. किस लिए? क्योंकि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मेरा हक, जैसे कि तुम्हारा है. हक? कैसा हक? कौन से हिस्से की बात कर रही है, बताइए मुझे ना. राम, अच्छा हुआ तुम आ गए. ये औरत मुझे धमकी दे रही थी, हिस्सा मांग रही थी. ये कह रही थी कि अगर हमने इसे हिस्सा नहीं दिया तो फिर ये दुनिया के सामने जाकर ये कहेगी कि राम कपूर ने अपनी सगी माँ को दर दर भटकने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया. बोलिए खन्ना साहब. मिस्टर कपूर, अवनी इज मिसिंग. आप जल्दी यहाँ आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है. हमने कुछ देर पहले लखन को अवनी के रूम के बाहर देखा था. उसके सिर पे अवनी से शादी करने का जुनून सवार है. मुझे डर है कि वो अवनी के साथ कुछ गलत ना कर दे. प्लीज प्लीज हेल्प मी. आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ. क्या चाहता है आपका बेटा? क्या किया लखन ने मिस्टर कपूर? अवनी को किडनैप कर लिया फिर से. अच्छा है लखन, थैंक गॉड इसकी बेवकूफी मेरे काम आ गई. पर वो लोग इतना शोर कैसे है कि लखन ने किया? वो अपने के रूम के बाहर देखा. मेरे दरअसल यश जी और मुझ में थोड़ी कहा सुनी हो गई थी. जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती कर दी है तो मैं वापस आया. लेकिन जब हम वापस आए तो शुभम और मैंने इसे अवनी के कमरे की खिड़की से अंदर आते हुए देखा. जब मैंने इसे पकड़ा भागते हुए तो उल्टा मुझ पर हाथ उठा रहा है. ये देखिए. मैं जानता हूँ इन सबको सबक कैसे सिखाना है. शुभम, यू ट्रस्ट मी? Yes, of course. चल क्या रहता है दिमाग में? Hit me. So what? Trust me, bro. Just hit me. मार मुझे. Yeah. Really? I'm telling you. Do it. Okay, I'm going for it. Yes, do it. और मेरे प्यार पे उंगली उठाने से पहले तू इस यार खन्ना से पूछ कि इसे अपनी बेटी से प्यार है या तेरे पैसे से. इससे बड़ा स्वार्थी और धोखला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा. क्योंकि इसे पता चल गया कि तू मेरा भाई है, इसीलिए इसे लखन में कोई खराबी नहीं दिखी. तेरा पैसा दिख रहा था इसे, और उस पैसे के लिए अपनी बेटी का सौदा करने के लिए तैयार हो गया था ये. मुझसे कहा कि तुझसे आके मैं अपने प्यार की भीख मांगू, गिड़गिड़ाऊं तेरे सामने कि तू मुझे अपना ले, अपने परिवार में शामिल कर ले. मेरे जूते फटे हुए हैं, लेकिन मैं किसी के पैरों में गिरूंगा नहीं, वो भी अपने ही प्यार के लिए जिसे पाना मेरा हक है. और अपने हक के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा. इसने सब कुछ बिगाड़ दिया मेरी जिंदगी में, मेरे प्यार के बीच में आके मुझको अवनी से दूर करते हुए. लेकिन लखन अपने प्यार के लिए मर भी सकता है और मार भी सकता है. फिर भले ही सामने कोई भी क्यों ना हो, लखन के लिए अवनी उसकी दुनिया है. उसे खुद से दूर नहीं होने देगा लखन. ये यही वो इंसान है जिसके लिए आप मुझसे हक मांग रही थी. एक क्रिमिनल जिसने एक लड़की को अगवा किया, वो भी एक बार नहीं दो बार. याद है मैंने क्या कहा था आपसे? अगर इसने ये फिर से करने की कोशिश की, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं. और राम कपूर अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता. आज देखिएगा मैं क्या करता हूं.
कमिश्नर साहब जी मैं आपको लखन देखो प्लीज सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं अपनी भी परेशान हो गई होगी प्लीज बता दो वो कहाँ पर है आप उससे प्यार करते हैं ना तो उसके साथ ऐसे जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना प्लीज बताइए कहाँ है वो प्लीज तुम समझती हो मुझे मेरे प्यार को मैं बताता हूँ तुम्हें सच सच बताता मैंने एक्चुअली बहुत आराम से तुम फंस प्रिया मिस्टर कपूर राम नहीं मिस्टर कपूर राम मेरी प्रिया को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने आज मैं कसम खाता हूँ उस माँ की जिसने हम दोनों को जन्म दिया तब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें अवनी कभी नहीं मिलेगी बस तो मैं खुद अपने हाथों से जेल को चीट के ले जाऊंगा लखन राम लखन भारी क्यों हो रहा है मैं यहां कैसे आई मैं तो घर पर थी मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये तो लखन का लेटर है अपनी तुम्हें इस तरह बेहोश करके तुम्हारी मर्जी के बिना मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मैं जानता हूँ तुम मुझे समझोगी और आगे क्या करना है मैं बताऊँगा बस इतना जान लो कि मैं अपने प्यार को हारने नहीं दूंगा और ना ही उस राम कपूर के सामने गिड़गिड़ाऊंगा अगर वो या तुम्हारे डैड हम दोनों के बीच आए तो बर्बाद कर दूंगा सबको कुछ भी कर जाऊंगा तुम्हारे लिए तुम्हारा लखन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लखन ये तुम गलत कर रहे हो लखन तो फोन भी डेड है लखन लखन दरवाजा खोलो प्लीज लखन लखन हम बात कर सकते हैं प्लीज दरवाजा खोलो लखन ऐसा मत करो सब कुछ बिगड़ जाएगा लखन अब क्या सोचा बहुत कुछ अब यश खन्ना शर्मिंदा होगा अपने घुटनों पे चलकर मेरे पास आएगा अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने बस देखते जा ये लो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो सब कुछ मेरे नाम है लेकिन तुम अपने नाम कर सकते हो क्या हुआ चौंक क्यों गए पैसे के लिए ही कर रहे हो ना ये सब कुछ ठीक है अब अवनी को तो किडनैप कर ही लिया है उसकी आजादी की कीमत भी ले लो फिर उसके बाद शादी कर लेना क्योंकि पैसे तो सब आपके पास होंगे ना और आपको लगता है आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं प्यार भी तो लीजिए कर लीजिए जो करना है आपको तुम पैसे दोगी मुझे तुम्हें क्या लगता है पैसे से सब कुछ पा सकते हैं क्या तुम्हारा ये पैसा मेरे कैरेक्टर पे लगे दाग को मिटा पाएगा अवनी को अगवा करने का जो झूठा और घटिया इल्जाम मुझ पे लगा है क्या वो मिटा पाएगा ये तुम्हारे ये पैसे हाँ मिटा पाएगा पैसा नहीं पर सच लखन मैं जानती हूँ आपने ये सब नहीं किया है बस आपके मुंह से सुनना चाहती थी इसलिए प्लीज प्लीज अब आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है किसने ऐसा किया होगा क्योंकि अवनी सेफ नहीं है उसे सच में किसी ने किडनैप कर लिया है प्लीज बताइए क्या हाँ इसीलिए अब चुप बैठने का वक्त नहीं है ठंडे दिमाग से सोचिए और हमारी मदद कीजिए प्लीज अवनी के लिए मैं कुछ भी करूंगा बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए मिस्टर कपूर ये है आपके भाई का असली चेहरा जो आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन मेरा वादा है आपसे मैं आपको इस लखन से मिलवा कर रहूंगी मैं राम कपूर का भाई हूँ ये जानने के बाद यश जी के तो सूरी बदल गए वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं राम से माफी मांगकर उसे सुलह कर लूंगा और राम मुझे अपना लेगा
तो वो मेरी अम्मी से शादी करा देंगे। इसका मतलब लखन के गरीब होने की वजह से यश जी ने अवनी और लखन का रिश्ता नहीं किया। मिस्टर कपूर से झूठ कहा उन्होंने। लेकिन अवनी के प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी करने को तैयार था, अपना सर झुकाने को भी। इसलिए मैंने राम को कल रात कॉल किया था, लेकिन उसने मेरी बात तक नहीं सुनी, उल्टा मेरी बेइज्जती की और मुझे इतना छोटा महसूस कराया जितना मैंने आज तक नहीं किया। खैर, उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और अपना दर्द भुलाने के लिए मैंने शराब पी ली। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मिस्टर कपूर, अन्ना साहब, ये देखिए, ये देखिए, हमें लखन के सामान में ये मिला है। पता नहीं उसके पास इतना पैसा कहां से आया, लेकिन चाहे जो भी हो, है तो ये चोरी का ही पैसा, और शायद इसी के इस्तेमाल करके उसने अवनी को किडनैप किया। कहीं वो अवनी को किसी फाइव स्टार होटल तो नहीं ले गया? अगर ऐसा है तो होटल स्टाफ अवनी को जरूर पहचान लेगा। लेकिन पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा होटल है? यहाँ पे इतने सारे फाइव स्टार होटल है। हाँ, मगर सिर्फ एक है जो अभी भी कैश में डील करता है। मुझे होटल की डिटेल्स भेज। अगर हमारा शक सही है तो लखन हमसे नहीं बच पाएगा। मुझे अवनी की बहुत टेंशन हो रही है। उसे कुछ कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ओके, आप हिम्मत रखिए और मुझ पे भरोसा। सर, मिला आपको कुछ? नहीं, कहिए जी क्या फुटेज। एक सेकंड, मैनेजर मुझे उस सबको उस रूम में ले जाओ जहाँ जो लखन ने बुक किया। अवनी, अवनी, आप सर अंदर अंदर चले आवे। सेठ भैया, अवनी कहीं नहीं। अरे हमने उसे अवनी को इसी रूम में लाते हुए देखा। ये तो अवनी का है। इसका मतलब वो यहीं थी, अब कहाँ गई? ये मिस्टर कपूर, लखन ने सचमुच कहीं मेरी बच्ची के साथ कुछ? चिंगारी तो हमने लगा दी है, अब बस इसे आग में भड़काते हैं ताकि इसमें जल के वो सब खाक हो जाए जो हमारे रास्ते की रुकावट बन रहे थे। ये तो राम कपूर की बेटी पीहू है। चलो जल्दी, चलो चलो, चलो जल्दी। मिस पीहू, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? क्या ये आपके पापा के भाई है लखन कपूर? क्या इन्होंने एक लड़की को किडनैप किया है? विकी अंकल, सारा मासी। राम कपूर की बेटी है आप, एक लड़की। आपके पापा ऐसी घटिया हरकत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? पापा, तुम्हें भी कोई किडनैप कर सकता है क्या? तब भी तुम चुप रहोगी? बोलो, जवाब दो। पीहू, बेटा, बेटा तुम ठीक हो? उठो बेबी, तुम ठीक हो? हाथ दिखाओ। ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या तरीका है? कोई इस तरीके से बिहेव करता है बच्चों के साथ? ये वॉकिंग एथिक्स है आपके? शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। सीरियसली, शेम ऑन यू गाइस। चल बेबी, कम ऑन। सच को दबाया नहीं जा सकता है। पीहू, पीहू, बच्चा क्या हुआ? बेटा तो क्या हो गया? रोने वाली कोई बात नहीं, आप तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, कुछ नहीं हुआ है। वो लोग लखन अंकल को मेरे चाचू बोल रहे थे। वो अंकल बैड है क्या? उन्होंने किस गर्ल को किडनैप किया है क्या? वो ठीक है ना? बैड अंकल उन्हें होटल में लेके गए। प्रेस को बताया किसने? यार पता नहीं यार, हम लोग तो आइसक्रीम लेने गए थे, जब वापस आए तो सारे मीडिया वालों ने जो है वो पीहू को घेर रखा था, और वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन लोगों को ऑलरेडी सब कुछ पता था। पर ये बात यश जी और हमारी फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता है। मीडिया को किसने बताया? मिस्टर कपूर, आपका फोन देना। अरे अरे पीहू, पीहू क्या कर? हम में से किसी का ध्यान ही नहीं गया इस बात पर। हो सकता है ये आदमी लखन हो ही ना।
हमें गुमराह करने के लिए फुटेज बनाया गया हो। तू तो छोड़कर आई थी ना राम को वहां, तो फिर तुझे उसकी बेटी की परवाह क्यों हो रही अभी? लखन वो छोटी सी बच्ची है बेटा, मीडिया ने उसे जबरदस्ती घेर कर न जाने कैसे उल्टे सीधे सवाल किए, सोच उस पे क्या बीत रही होगी, उस बेचारे की क्या गलती है इन सब चीजों में, बोल जरा। शुरुआत से यही तो होता आ रहा है, जिसकी गलती नहीं है सवाल उसी से पूछे जा रहे हैं। सुना तुमने आदि, हम यहाँ पता लगाने आए थे कि लखन को कौन फंसाने की कोशिश कर, पर हमें स्वाति माँ का सच भी पता चल गया। तुम खुद बताओ, वो औरत जो अपने बेटे को छोड़कर चली गई थी पैसे के लिए, जो लालची है, क्या उसकी बेटी की परवाह करेगी? नहीं ना, नंदिनी कपूर ने तो कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो पीहू का इस्तेमाल किया है हमेशा। सिर्फ लालची लोग करना चाहते, मगर ये लालची नहीं है। नहीं, स्वाति माँ लालची नहीं है, और लखन बुरा इंसान नहीं है, उसने अवनी को किडनैप नहीं किया है। अगर प्रिया, पता कैसे चलेगा कि आखिर वो है कौन? बस बहुत हो गई तेरी मनमानी, अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी, समझे? एंड यू नो व्हाट, वक्त आने पर तुम सारा इल्जाम सिट पर डाल दो। एक्चुअली क्या आप चाहती हैं? मैं अवनी की किडनैपिंग का इल्जाम सिट पर डाल दूं? हाँ। I can't believe this. आप मुझे अपने दोस्त को धोखा देने के लिए कह रही हो? हाँ, क्योंकि तुम ये मुझे भी जानना है क्यों? आप ऐसा क्यों चाहती हैं कि हम सब ये सोचे कि अवनी की किडनैपिंग सिड ने की है? इससे आपको क्या फायदा है? अवनी को किडनैप किया है, मगर या मोटिव क्या होगा? देखो, अगर यश खन्ना अवनी की शादी लखन से करा देते तो सिड की शादी नहीं हो पाती ना, तो सबसे बड़ा मोटिव तो उसी के पास है, हम उस पर शक क्यों नहीं कर रहे हैं? Yeah, you're right. क्योंकि सिडी ने तो लखन को पकड़वाया था। पकड़ा था या पकड़ने का नाटक किया था लखन को दोषी साबित करने के लिए। अब क्या करें? लेकिन आदि, मेरे पास एक प्लान है, अगर मेरा शक सही निकला ना तो मिस्टर कपूर के मन में अपनी माँ और अपने भाई को लेकर जो भी गलत फहमी है ना, सब दूर हो जाएंगी, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुमसे क्यों कह रही थी? सिड को धोखा देने के लिए मामा? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लखन जेल जाए। What? क्यों? लखन तुम्हारा सगा भाई है राम, स्वाति तुम्हारी माँ है, उसने तुम्हें जन्म दिया है, हमारे सौतेले होने के बावजूद तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, हमारा भी सब फर्ज बनता है ना तुम्हारा नाम खराब होने से बचाने का। कैसे? एक निर्दोष इंसान को अक्यूज करके? लखन को अगर बाहर नहीं निकाला तो स्वाति को अच्छा नहीं लगेगा। क्या मतलब है? वो उसका बेटा है राम। आपको किसी ने कुछ कहा, धमकी दी क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राम, और वैसे भी किसी की धमकी मेरे लिए मायने नहीं रखती, तुम्हारी खुशी के आगे। और लखन और स्वाति तुम्हारे सगे हैं, इस बात को शुभू और मुझे तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, है ना? कर क्या रही हैं आप? प्लान चेंज, हमारी भलाई के लिए। क्या मतलब है? मतलब ये कि उस स्वाति कपूर से छुटकारा पाने का रास्ता अब मुझे मिल गया है। एंड यू नो व्हाट शुभू, सिड को तुझे धोखा देने की जरूरत नहीं है, बस अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। भाभी की बोल। आदि, वो प्रिया जो बोल रही थी ना, वो शायद सही बोल रही थी यार। वो सेठ बड़ी अजीब गरीब हरकतें कर रहा है यार। ओ नो। हाँ, और पता नहीं किसी अजीब से शेडी से होटल के बाहर खड़ा है अभी। अबे अबे आदि, मुझे लग रहा है वो शायद होटल के अंदर जा रहा है। ओ नो,
कहीं प्रिया की बात सच तो नहीं हो गई? कहीं लखन को फंसाने के लिए सिड ने अवनी का किडनैप तो नहीं कर लिया? अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर में यहाँ पे मिलने किसको आया था। जिस बच्चे की आपको फिक्र हो रही है ना, वो जेल में पैदा हुई थी। हाँ, और जानती हैं क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं मिस्टर कपूर से दूर चली जाऊंगी तो अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश रहेंगी। इसीलिए शिवीना के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद मुझे जेल हुई और वहां मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर मैंने मिस्टर कपूर से झूठ कहा कि बच्चा उनका नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और आपको पता है ये सब मैंने किसके कहने पर किया? नंदिनी कपूर। राम, तुम्हें सच का पता हो ना हो, मुझे इस लड़की के खून का पता है। नंदिनी कपूर ने मुझे इमोशनल करके मुझसे ये सब करवाया था। अब जानती है क्यों? क्योंकि उन्हें मिस्टर कपूर की कभी परवाह थी ही नहीं और आज भी नहीं है। माँ, ये सब बातें आप जानती हैं मैं आपको क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपकी तरह मुझे भी अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा था, जो बिल्कुल सही नहीं था। मिस्टर कपूर मुझसे इतने नाराज थे, मुझे बेवकूफ बनाया गया था, मुझे धोखा दिया गया था। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर सेम चीज आपके साथ हो रही है तो प्लीज प्लीज आप मुझे बताइए। हाँ शुभम, इसे कहाँ है तू? हाँ मैं यहाँ पहुँच गया, अल कॉल पर। नहीं, तू अभी अभी घर आ। मॉम के पास एक प्लान है लखन और उसकी माँ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। सो जस्ट कम होम। ओके। यार सच पता करने के इतने करीब आ गया था यार मैं। हेलो जी नंदिनी मैम। बोलिए। मैंने फाइल चेक की है मिस्टर हितेश अहूजा के केस की। हालांकि काफी साल हो चुके हैं उनकी डेथ हुए, लेकिन क्योंकि आपने कहा आपके गुनहगार के खिलाफ सबूत है तो केस को रीओपन कर सकते हैं और खूनी को सजा भी दिलवा सकते हैं। ठीक है ठीक है, मैं आपको ना डिटेल्स भेज दूंगी। थैंक यू नंदिनी। प्लीज इस तुम कुछ ऐसा कुछ नहीं करोगी नंदिनी। तुम मेरे राम को बख्श, तुम ये राम की जिंदगी बख्श दो। तुम जो कहोगी मैं करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी। okay, नंदिनी प्लीज काम डाउन। हां देखो स्वाति, अब तुम्हारे पास ना एक ही तरीका है अपने दोनों बेटों को बचाने का। तुम एक काम करो, तुम लखन से जाके कहो कि वो पुलिस के सामने ये कहे कि उसने अवनी का किडनैप किया है। अरे डरो मत, मैं खुद सिड और यश खन्ना से कहूंगी कि वो लखन को रिहा करे। ओके, इसका मतलब लखन भी जेल से रिहा हो जाएगा और राम भी जेल नहीं जाएगा। ठीक है देखो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना स्वाति, तो फिर तुम्हारे दोनों बेटे जेल जाएंगे। हाँ मेरा आइसक्रीम गिर गया, तुम एक काम करो, दो अपना हाथ दो, ये आइसक्रीम खाओ। ओके, और ठंडे दिमाग से सोचना। बाय। जब मैं मिस्टर कपूर को छोड़कर गई थी तब मैं अकेली थी, जब आप उन्हें छोड़कर गई थी जिस भी वजह से तब आप अकेली थी। अब आप अकेली नहीं है क्योंकि हम दोनों आपके साथ हैं, आपका परिवार। और मिस्टर कपूर अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ते, वो आपके लिए भी जरूर लड़ेंगे जैसे मेरे और पीहू के लिए लड़े थे। इसलिए प्लीज अपने बेटे पर विश्वास कीजिए, अपने परिवार पर विश्वास कीजिए और एक बार मुझे सच बता दीजिए। कब तक जुटलाएंगे आप माँ? मैं जानती हूँ कोई तो बहुत बड़ी वजह है जिसके लिए आप मिस्टर कपूर को छोड़कर चली गई थी और आज भी इसीलिए चुप है क्योंकि आपको लगता है कि उससे हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन मेरा भरोसा कीजिए और एक बार इस डर को हराकर मुझे बताइए कि कौन है जिसने आपको डराया है, धमकाया है। एंड आई प्रॉमिस हम दोनों मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। देखिए इतना सोचिए मत, बस कह दीजिए प्लीज। मैंने शायद अवनी का पता चल गया होगा। एक मिनट। हेलो प्रिया। अच्छा अवनी इसी होटल में, एक होटल स्टाफ ने बताया।
मगर ये रिसेप्शनिस्ट है ना, उसके रूम का नंबर नहीं बता रहा है। अब हम लोग क्या करें, क्योंकि सिड कभी भी आता होगा। बताओ जरा। नहीं नहीं, शायद वो रिसेप्शनिस्ट मिला हो। सिड को कहीं कुछ बता ना दे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम लोग वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ओके ठीक। माँ अभी मुझे जाना होगा, बहुत अर्जेंट काम है। लेकिन मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है ना, वो सब सच है। इस खेल में पहले भी एक बार मैं नंदिनी कपूर को हरा चुकी हूँ, लेकिन इस बार फिर अगर वो मिस्टर कपूर या मेरे परिवार को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगी ना, तो मैं दोबारा लड़ूंगी और जीतूंगी भी। और रही बात लखन की, तो शायद अवनी मिल गई है, मैं वहीं जा रही हूँ। माता तुम्हें कामयाब थे बेटा, चलो मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, फिर मुझे आंटी अंकल से मिलना है। पर मम्मा, मैं पूरा दिन आपके साथ रहने वाली थी ना। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ बच्चे नहीं आ सकते हैं बेटा। तो एडवेंचर जैसा होगा ना, प्लीज मम्मा लेके चलो ना, मुझे भी आपके साथ आना प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो चलो आजा। हे मैया, प्रिया को बेचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना। पीहू, आप आदि अंकल और विक्रांत अंकल के पास रहो, मम्मा 2 मिनट में आ रही है। ओके चलो, मेरा बैग पकड़ो। हाँ सर, मुझे खबर मिली है कि वो यहीं पर है। हाय, मैं सीबी न्यूज से हूँ। मुझे खबर मिली है कि यहाँ बहुत बड़े इंडस्ट्रीज की बेटी है जो इस होटल में रुकी हुई है, और ये भी सुना है कि वो किडनैप हो गई है। तो आप कुछ जानते हैं इस बारे में, या आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्लीज जाइए यहाँ से, और एक कैमरे को दूर रखिए। अरे कैमरे से आप नजर चुरा सकते हैं, लेकिन सच नहीं छिपा सकते। और आपको देखकर लग रहा है कि आप कुछ तो छिपा रहे हैं। मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ, और मैंने कुछ किया भी नहीं। अच्छा तो ठीक है, साबित कीजिए, मुझे मिलने दीजिए। नहीं, आप ऐसे नहीं मिल सकते। मेरी मम्मा बेस्ट है, वो अंकल मम्मा से झूठ बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है सर, यहाँ का स्टाफ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है। आप एक काम कीजिए, ओबी वैन भेज दीजिए, लाइव टेलीकास्ट करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी ना, तो सच सामने आ जाएगा। जी जी, मैम प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको उस लड़की से मिल लेना, आप जाइए, वो रूम नंबर 102 में है। थैंक यू। ये लो। लो ना, आइसक्रीम है। तुम्हें जरूरत पड़ेगी मेरी बात सुनने के बाद। अच्छा शायद तुम भूल गई हो स्वाति, कि तुम्हारे राम की आजादी और बर्बादी दोनों मेरी ही मुट्ठी में है। थी नंदिनी, तुम और मुझे मजबूर नहीं कर पाओगी नंदिनी, क्योंकि प्रिया मेरे साथ में है। अगर तुमने सपने में भी मेरे बच्चों को तकलीफ देने की सोची ना, तो प्रिया मेरे साथ लड़ेगी तुम्हारे खिलाफ, और बहुत जल्द मेरा राम मेरे साथ होगा, क्योंकि वो तुम्हारी तरह दोगला और खोखला नहीं है। भरोसा करता है वो अपनी बीवी पे, अपने रिश्तों पे, और बहुत जल्द अपनी माँ पे भी करेगा। और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी? स्वाति भूल गई ना, लखन अभी भी जेल में है। तुम लखन को सजा दिलवाना चाहती हो ना, ठीक है दिलवाओ उसे, उसे जेल में डाल दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नंदिनी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दूसरा बेटा राम मेरे साथ में है, उसका प्यार मेरे साथ में है, और प्रिया ने मुझसे वादा किया है। अच्छा, मुझे मेरे बेटे से मिलवा के रहेगी, इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? होता है, कोई बात नहीं, होता है। आइसक्रीम खाओ और दिमाग को ठंडा रखो। खा लो। मैं भी देखती हूँ स्वाति कि तुम मुझसे कैसे जीतती हो। क्योंकि नंदिनी कपूर को हराना इतना आसान नहीं है,
यही चीज तो है जो नंदिनी को नंदिनी कपूर बनाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।